आए दिन कहीं आपकी भी रियल लाइफ में बहुत सारी चीजें सुनते आए। अच्छा एक माइक का एक कॉर्डलेस गिरा हुआ है, किसका चेक कर लो, हो गया ओके। देखिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे लिए बहुत सिंपल वे से और सच बोलते हुए ये है कि मेरी एक बार मंगनी हुई थी, आई वॉज एंगेज बट इट डिड नॉट वर्क आउट। शादी से 3 महीने पहले वी कॉल्ड इट ऑफ। ऐसा नहीं कि वो खराब इंसान है या मैं खराब हूँ, दोनों ठीक ठाक हैं, उनकी अभी टच वुड अच्छी खासी शादी होगी, वेरी हैप्पी गर्ल। एंड कभी कभी चीजें नहीं होती, आई एफ टॉप, तो मुझे लगता है कि मेरे से बेहतर कोई बंदा और ये कहानी नहीं सोच सकता था। और मेरी कोशिश रही है कि मैं एक नया जॉनर लेकर आऊं। देखिए हमने हमेशा लव स्टोरीज, हमने हमेशा कॉमेडीज, ट्रेजेडीज, थ्रिलर, सस्पेंस, हॉरर, इस सब के ऊपर कहानियां या फिल्में देखी हैं और लव स्टोरी सबसे ज्यादा देखी। तो मैंने सोचा यार क्यों ना एक अलग टाइप की लव स्टोरी बनाई जाए, क्योंकि कितनी बार राज और सिमरन एक दूसरे से प्यार करेंगे, क्यों ना एक बार एक ऐसी चीज क्रिएट की जाए जिसमें राज और सिमरन प्यार तो करते हैं लेकिन राज जो है वो एफ अप कर दे। मैं बस ये कहना चाहूंगा कि मैं जो हूँ मैं अपने आप को इस मौके पे एक ऑथर की तरीके से देख रहा हूँ, एक राइटर की तरीके से देख रहा हूँ। आगे जाकर क्या इसका अंजाम होगा, लोग इसको कैसे रिएक्ट करेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि फ्लिपकार्ट पे ऑलरेडी इसकी 200 कॉपी से ज्यादा बिक चुकी है। अमेजोन पे ये किताब कल आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी थी। बॉम्बे में अपने फर्स्ट डे इटसेल्फ ये बुक स्टोर्स पे आउट ऑफ स्टॉक हुई, नया स्टॉक लाया गया, पब्लिक इज लविंग इट, द यूथ इज लविंग इट। इसको मोबाइल जनरेशन के लिए लिखा गया है, 60% से ज्यादा किताब जो है वो एक SMS लैंग्वेज में लिखी गई है। यूजुअली किताब जो होती है वो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव या तो सेकंड पर्सन नैरेटिव होती है, इस किताब में फर्स्ट पर्सन नैरेटिव और सेकंड पर्सन नैरेटिव साथ में चलेंगे पैरेलल टू ईच अदर, तो कहानी बहुत दिलचस्प है, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग।